ओपन पोर्स की परेशानी, खुले रोम छिद्र की परेशानी, क्या ये परेशानी आपको भी परेशान कर रही है? ये परेशानी क्यों होती है? ये परेशानी कब होती है? ये परेशानी से मुक्ति कैसे मिल सकती है? इस परेशानी का DIY क्या इलाज है? ये सब जानने की इच्छा है ना, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। आज का वीडियो देखना तो 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार पे, और मैं हूँ छवि। साथ ही साथ एक ऐसा क्रीम भी आपको बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से, एक ऐसा टोनर बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने ओपन पोर्स की परेशानी को बहुत हद तक जो है क्योर कर सकते हो, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब करते, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करते, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि छवि बहुत फ्लॉन्ट कर रही है अपने फिंगर को। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये वाले ना मुझे बहुत अच्छे लगते, बड़े बड़े वाले ना मुझे यूं करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, इसलिए यूं कर रही हूँ। इग्नोर करें, कहते हैं कि भाई ये ओपन पोर्स होता क्यों है और इस क्यों होता है, आखिर कौन सी स्किन टाइप को होता है? तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको ओपन पोर्स की परेशानी होती है। बहुत को हेरिडिटरी देखोगे कि अगर उसके पेरेंट्स की, अगर उसके माँ की और उसके पापा की स्किन बहुत ज़्यादा एकदम स्पॉटलेस है, ग्लोइंग है, तो मोस्टली बच्चों की भी स्किन वैसी हो जाती है। दूसरा, तीसरा कारण ये होता है कि अगर आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा सीबम बनते हैं तो उसके कारण भी जो है आपके चेहरे के ऊपर ओपन पोर्स की संभावना होती है। बहुत को ऐसे होता है कि अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कील आते हैं, कील मुहासे आते हैं, यानी कि चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, दाने हैं, एक आते हैं एक जाते हैं, तो भी चेहरे के ऊपर ओपन पोर्स बन जाता है। और बहुत तो हमारी गलती से होता है भाई, इतना छोटा सा दाना होता है, उस दाने को हम बंदर का घाव, गांव में एक कहावत होता है ना, बंदर का घाव बना देना, यानी कि इतना छोटा दाना है उसको बार बार यूं टच कर करके वो बेचारा तो बोलता नहीं है कि मुझे टच करो, बट आप लगे रहते हो भैया यूं नाखून से, कभी यूं दबा के, कभी यूं दबा के, तो कभी यूं दबा के। अगर आप उसे नहीं छेड़ोगे, अगर आप उसे नहीं छुओगे, तो वैसे भी वो आपके चेहरे से 4 या 5 या 6 दिन में चला जाएगा ना। लेकिन हम उसे भैया दिन भर छुएंगे छेड़ेंगे तो वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो दाग छोड़ देता है, दाग भी छोड़ देता है, और आप जो ये फोड़ते हो ना बार बार यूं करके, तो वहां पर वो एकदम से जो है ना वो क्या बोलते हैं, खड्डा जैसा बना देता है, वो लार्ज पोर्स जो है सो कि आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर बहुत के चेहरे पे देखोगे कि अगर आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे आपकी स्किन लूज होने लगती है, तो भी आपको ओपन पोर्स की परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन जब टाइट होती है ना, यूं जब टाइट लगती है तो पोर्स वगैरह सब है ना एकदम टाइट दिखते हैं। मीन्स जब आपकी स्किन टाइट रहती है ना तो वो पोर्स दिखते नहीं है, बट जैसे जैसे आपकी स्किन लूज होने लगती है तो ओपन पोर्स जो है ना वो दिखने लगते हैं। तो ये तो हो गए कारण, अब बात कर लेते हैं निवारण का, यानी कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि ये एक तो हमारे जो हमारे चेहरे के ऊपर जो ये ओपन पोर्स की परेशानी है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाई रातों रात ओपन पोर्स नहीं खत्म होता है, ओपन पोर्स जो है आता भी बहुत धीरे धीरे है और जाता तो उससे भी धीरे धीरे, लेकिन आप जब इसको प्रॉपर अगर आप केयर करते हो अपनी स्किन का, प्रॉपर अगर आप उसका ध्यान रखते हो तो आपको दिखेगा, आपकी स्किन में जो है ओपन पोर्स की परेशानी में फर्क दिखेगा। तो चलिए DIY की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या लगा है जिससे जो ये ओपन पोर्स है उसकी परेशानी भी दूर हो जाए, साथ ही साथ जो कील मुहासे जो हम लोग यूं फोड़ करके जो किए ना वो भी उसके भी दाग खत्म हो जाए, और जो अगर हमारी स्किन लूज होती जा रही है, सैगी होती जा रही है ना, लटकी जैसी हो रही है, रंगत कम होती जा रही है सर्दियों के मौसम में, तो ये सब की भी परेशानी दूर हो जाए। तो भाई मैं हूँ ना आज एक ऐसा DIY लेकर के आई हूँ जो गाँव में एक बड़ा अच्छा कहावत है, नीम लगे ना फिटकरी और रंग
रंग चोखा, ऐसा ही करके कुछ है, चोखो। नीम लगे ना फिट करी और रंग बहुत शानदार, चोखो शानदार, ये वाला है कुछ कहा। ये जो है ना, इसी में मैं मार खा जाती हूँ, मतलब कुछ हाथ ध्यान में रहता है, कुछ ध्यान से निकल जाता है। आप समझ गए ना बात कहीं पे। तो चलिए भाई, एक ऐसा DIY है जिसका तो 100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको चाहिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है राइस। राइस कोई भी, बासमती हो, नॉर्मल हो, कोई भी राइस चलेगा। तो आपको क्या करना है, तकरीबन 1 कप के करीब में राइस ले लेना है, अच्छे से उसको धो लेना है, चावल को खूब अच्छे से धो लेना है 2-3 पानी से, ताकि उसके अंदर कोई भी गंदगी ना रहे। उसके बाद इस चावल को आपको अच्छे से पका देना है। बहुत, जैसे मेरे घर में हर रोज राइस बनता है, आपके घर में अगर हर रोज चावल बनता है तब तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तब तो जो आप चावल पकाते हो बस वही चावल का पानी आपको निकालना है, लेकिन चावल के पानी के अंदर जो है वो नमक नहीं होना चाहिए, बिना नमक वाला चावल का पानी। जब आपको लगे ना कि आपका चावल पक चुका है, अब उसका पानी आप निकालने वाले हो, तो बस उसके पहले जो है उसका पानी आपको निकाल लेना है, जो है ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। एकदम रूम टेम्परेचर में जब वो ठंडा हो जाता है, एकदम से ठंडा हो जाता है, अब ये जो चावल का पानी है ना, उसको 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। या तो अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप रूम टेम्परेचर में छोड़ सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसको फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स आपको क्या करना है, जब वो एकदम से ठंडा हो जाएगा ना, तो थोड़ा थिक हो जाता है, एकदम थिक, उसका कलर एकदम वाइट कलर का हो जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना है, 2 टाइप से करना है। पहला जो आपको DIY में बता रही हूँ, ये कुक्ड राइस वाटर आपको लेना है, जितना भी आपको लगे, 2 स्पून 3 स्पून 4 स्पून जितना भी आपको लेना है, उतना ये राइस वाटर को आपको ले लेना है। इसके अंदर जो आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है दोस्तों, वो ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। 1 स्पून के जितने में ये अच्छे से ये पैक आपका बन जाए, उतना आपको मुल्तानी मिट्टी इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब जो इसके अंदर आपको 3rd इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो करना है आपको नीम पाउडर, यानी कि जो अपना नीम लीफ होता है ना, उसका पाउडर आपको इसके अंदर ऐड करना है। तीनों को आपको ऐड करना है, एकदम अच्छे से मिक्स करना है, और पहले अपने चेहरे को वॉश कर लेना है, चाहे ताकि आपके चेहरे के ऊपर कोई भी क्रीम वगैरह ना हो, और उसके बाद अपने पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर आपको इसको लगा लेना है। लगा करके आपको छोड़ना है कितने देर के लिए, तो 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है, और उसके बाद अपने चेहरे को आपको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइजर है, क्रीम है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताई हूँ कि मैं आप सबके साथ एक ऐसा क्रीम बताऊंगी जो कि आपके ओपन पोर्स की परेशानी को दूर करे, तो मैं ममा अर्थ का ग्रीन टी डे क्रीम विद ग्रीन टी एंड कोलेजन, ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके ओपन पोर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका पूरा रेंज है, इसका डे क्रीम भी है, इसका नाइट क्रीम भी है, इसका फेस वॉश भी है, इसका टोनर भी है। तो आप चाहे तो पूरा रेंज परचेज कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो सिर्फ एक डे क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी आपका क्रीम है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बताई। तो आपको अपना क्रीम लगा लेना है, उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगा लेना है। ये तो हो गई मॉर्निंग की बात। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसका सेकेंड DIY क्या है। तो आपको जो कुक्ड राइस वाटर है, उसको आप सिर्फ कुक्ड राइस वाटर, उसके अंदर कुछ भी मिला होना नहीं चाहिए, उसको अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लें और मसाज करें 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद छोड़ दें। मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये कुक्ड राइस वाटर जो है, इसको बना करके कितने दिन तक रख सकते हैं। तो भाई सर्दियों का मौसम है, फ्रिज के में आराम से 4 से 5 दिन तक बना करके आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समर सीजन में 2 दिन तक आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन विंटर सीजन में तो 5 दिन तक। आई होप कि मेरा ये DIY पैक और ये जो आपको क्रीम के लिए बताना है वो आपके किसी काम आए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लग गया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लग गया और मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID है नेचुरल ब्यूटी विद छवि। कुछ और जानना है तो इंस्टाग्राम पे नए पोस्ट जब भी डालती हूँ उसके ऊपर जरूर कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।